ये आपको चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखने के साथ साथ ही बीमारियों से बचाने में मदद करता है। प्रणाम, मैं सपना वैस सोच इंडिया के आरोग्यालय भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फीके हुए चने खाने के फायदे। दाल और फलियों की एक वैरायटी है काला चना, जिसे प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। काले चने की मुख्य रूप से दो वैरायटी होती हैं, देसी और काबुली। वैसे तो दोनों ही तरह से काला चना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन काला चना कई तरह की बीमारियों को दूर कर शरीर को स्वस्थ और दिमाग को तेज बनाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर काला चना सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसे काले चने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें करीब 30% तक आयरन पाया जाता है। आइए जानते हैं भीगा चना खाने का सही समय क्या है। अगर आप चाहते हैं कि काले चने का फायदा आपके शरीर को मिले तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप उसे सही समय पर खाएं। भीगे हुए काले चने को खाने का सबसे सही तरीका सुबह खाली पेट है। सुबह का नाश्ता हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना बेहद ही जरूरी है, ताकि आप दिन भर ऊर्जावान बने रहें। ऐसे में आप चाहें तो अपने दिन की शुरुआत एक मुट्ठी भीगा हुआ चना खाकर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखने के साथ साथ ही बीमारियों से बचाने में मदद करता है। साथ ही ये आपके खून को साफ करके दिमाग को तेज बनाता है। क्या है भीगा चना खाने का सही तरीका? भीगे हुए या अंकुरित काले चने में क्लोरोफिल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के साथ ही फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जिस कारण ये एक तरह का सुपर फूड माना जाता है। जब चने को रात भर के लिए पानी में भिगो दिया जाता है तो उसमें मौजूद पोषक तत्व और ज्यादा बढ़ जाते हैं। भीगे हुए चने को पचाना पेट के लिए बेहद ही आसान हो जाता है। आइए जानते हैं कि भीगा चना खाने के और क्या क्या फायदे हैं। किस तरह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार है काला चना, आइए जानते हैं। इन दिनों जब कोविड महामारी चारों तरफ फैली है तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बेहद ही जरूरी है, ताकि आपका शरीर बीमारियों से बचा रहे। इसके लिए काले चने से बेहतर सस्ता उपाय और कुछ नहीं है। 8-10 घंटे तक पानी में भीगे हुए चने को खाने से न सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, बल्कि आपकी शारीरिक ताकत में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे आपको दिन भर काम करने में एनर्जी मिलती है। साथ ही भीगा हुआ चना खाने से शरीर में पित्त और कफ दोष को भी बैलेंस करने में मदद मिलती है। शरीर में खून बनाने में भी मदद करता है भीगा हुआ चना। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि काला चना आयरन का बेहतरीन स्रोत है और इसलिए खून की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है, साथ ही एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली महिलाएं और बढ़ते बच्चे की सीमित मात्रा में भी भीगे हुए चने का सेवन कर सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन के उत्पादन में भी मदद करता है काला चना। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है काला चना। काले चने में फाइबर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है और ये एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन है। इसमें मौजूद फाइबर घुलनशील होता है, जो बाइल एसिड से खुद को बांध लेता है और शरीर द्वारा उसे अवशोषित होने से रोकता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। रोजाना अगर आधा कप के आसपास भीगे हुए चने का सेवन किया जाए तो इससे शरीर में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ ही टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद मिलती है। ऐसे ही सरल और आसान घरेलू नुस्खों के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। प्रणाम।